हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम नेल्सन मंडेला चैप्टर का पार्ट टू करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेक्युलर अरे of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और जब उन्होंने स्पीच दे दी नेल्सन मंडेला ने, जो हमने पार्ट वन में देखा था, कुछ समय बाद वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हमने अपने आंखें उठाई, मतलब ऊपर आसमान की ओर देखा। इन ऑ, इन ऑ का मतलब होता है इन एडमिरेशन, जब आप किसी चीज को एडमायर कर रहे हैं, वंडर के साथ देख रहे हैं, प्रेज करते हुए भावनाओं के साथ देख रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं आई एम लुकिंग दैट समथिंग इन ऑ। और वो किस चीज को देख रहे थे? स्पेक्टेकुलर एरे को देख रहे थे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स विच वर रोरिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। सो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, ये आवाज करते हुए एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर रहे थे। सो आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे 15 अगस्त या रिपब्लिक डे इस तरह की जो भी परेड होती हैं, तो उसमें इस तरह के एयर शोज कभी कभी होते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मार्च पास्ट होता है एंड वी शो कि ये हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, ये हमारी नेवल कैपेबिलिटीज है, एटसेट्रा। इसी तरह से उस समय वहाँ पे उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो इन चीजों के थ्रू दिखाए जा रहे थे। तो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वो गुजर रहे थे वहां से, एंड उसको बोला जाता है अ स्पेक्टेक्युलर एरे। सो स्पेक्टेक्युलर का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग। इनफैक्ट जो स्पेक्टेक्युलर वर्ड है उसका बेस वर्ड है स्पेक्टेकल, एंड स्पेक्टेकल का मतलब होता है अ व्यू या अ सीन। तो जब भी आप कोई सीन देख रहे हैं तो यू कैन से आई एम वॉचिंग अ स्पेक्टेकल। एंड स्पेक्टेकल्स आपने वर्ड यूज किया होगा, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, ग्लासेस, जो आप चश्मा पहनते हैं पावर वाले, उनको आप स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं। सो यू कैन सी कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं। इट इज़ अबाउट सीइंग समथिंग। सो स्पेक्टिकल्स ग्लासेस हो गए, स्पेक्टिकल एक सीन हो गया, एंड स्पेक्टेकुलर का मतलब एक ऐसा सीन जो कि ब्यूटिफुल और आई कैचिंग है, जिसको आप भव्य या शानदार भी बोल सकते हैं। एरे वर्ड का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड सीरीज या अरेंजमेंट। तो कोई भी चीज अगर आप एक सीरीज में रखते हैं एक के बाद एक, एंड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखते हैं, तो उसको आप एरे बोलते हैं। ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है ये वर्ड, ऑर्डर्ड सीरीज और अरेंजमेंट। आपने महाभारत में चक्रव्यूह वर्ड सुना होगा। सो इनफैक्ट चक्रव्यूह का मतलब होता है सर्क्युलर एरे। सो चक्रव्यूह, सो व्यू जो वर्ड है उसका मतलब होता है एरे, एंड चक्र हो गया सर्कुलर, व्यू हो गया एरे। सो चक्रव्यू का मतलब होता है सर्कुलर एरे। सो मतलब सर्कल में एक फॉर्मेशन बनी हुई है, सो एक अरेंजमेंट है सर्कुलर फॉर्म में, उसको आप चक्रव्यू बोलेंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे एक एरे था एक फॉर्मेशन में। सो फॉर एग्जांपल जब भी आप एयर शोज देखते हो तो इस तरह के फॉर्मेशन आपको दिखते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी कि इस तरह से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एयर शोज होते हैं, एंड इस तरह के जो एरे को आप एक फॉर्मेशन बोलते हैं, बिकॉज एक फॉर्मेशन में चल रहे हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल ये एक वी फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसिशन का डिस्प्ले नहीं था, एंड पिन पॉइंट प्रिसिशन का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना, एग्जैक्ट होना। एंड यहाँ पिन पॉइंट प्रिसीजन किस चीज के लिए बोला गया? सो जो फॉर्मेशन करते हैं, जो जेट्स फॉर एग्जांपल, उनको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि अगर एक का भी स्पीड ज्यादा हो गया दूसरे से तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। एंड आपको पता है कि वो कितनी हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, एंड उस हाई स्पीड में भी उन स्पीड को मेंटेन करना होता है उनको एग्जैक्टली वैसे ही, ताकि उस फॉर्मेशन को वो फॉर्म कर सके। सो इनमें से थोड़ी सी भी चूक होगी तो वहाँ पे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसलिए वहाँ पे पिन पॉइंट प्रिसीजन चाहिए। सो इसको आप बोलते हैं एक्सट्रीमली प्रिसाइज, अगर आप किसी चीज को बोलना चाहते हो तो आप बोलते हैं पिन पॉइंट प्रिसीजन, बिल्कुल भी अचूक होना। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ उनका जो पिन पॉइंट प्रिसीजन का और उनकी मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री ताकत का सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बट उनकी मिलिट्री की लॉयल्टी का भी डेमोन्स्ट्रेशन था। लॉयल्टी यानी वफादारी। सो वफादारी किसकी तरफ? एक नई डेमोक्रेसी की तरफ, जो वहां पे डेमोक्रेसी फॉर्म हुई है, एंड नई गवर्नमेंट, जो वहां पे नई गवर्नमेंट आई है नेल्सन मंडेला की, उसकी तरफ
उनकी लॉयल्टी का भी प्रदर्शन था। एंड ये गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट हुई है, फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। सो फ्रीली इसलिए क्योंकि सबको वोट देने का अब मौका मिला था, चाहे वो व्हाइट स्किन पीपल हो चाहे डार्क स्किन पीपल हो, और फेयर इलेक्शन हुए थे, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिला था, इक्वालिटी थी वहां पे, इसलिए इसको फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बोला गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। एंड कुछ समय पहले ही, ओनली अ मोमेंट्स बिफोर, हाईएस्ट जनरल, सो जो मिलिट्री के सबसे ऊंचे पद के जो जनरल्स हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उनके चेस्ट कैसे हैं, बिडेक्ट है रिबन्स और मेडल से। सो बिडेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड, सो समथिंग लाइक दिस। सो आपने देखा होगा कि जो भी मिलिट्री के हाई पोजिशन पे लोग होते हैं वो अपने कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल, अपने मेडल्स और रिबन्स जो भी उन्होंने अर्न किए हैं थ्रू आउट देयर यू नो मिलिट्री कैरियर, वो डिस्प्ले के लिए लगाते हैं। इनकी रैंक भी पता चलती है इससे कि वो क्या रैंक के हैं। सो इसको आप बोलते हैं बिडेक्ड विथ रिबन्स। सो दिस इज वॉट इट मीन्स। सो जितने भी हाईएस्ट जनरल्स थे उन्होंने क्या किया, सैल्यूट किया उन्हें और प्लेज की लॉयल्टी, सो अपनी लॉयल्टी उनके प्रति प्लेज की, एक ओथ ली कि हाँ हम आपके लिए लॉयल रहेंगे। एंड नेल्सन मंडेला फिर क्या बोल रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। सो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, सो ये एक नेगेशन है जस्ट टू ब्रिंग ए लिटिल बिट ऑफ यू नो स्ट्रेस उस पॉइंट पे। इंस्टेड वो बोल सकते हैं आई वॉज माइंडफुल ऑफ, इंस्टेड वो बोल रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ। सो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब हो गया ही वॉज माइंडफुल ऑफ, मतलब ही वॉज अवेयर, ही वॉज अवेयर ऑफ, या वो गौर कर रहे थे इस चीज को, गौर कर रहे थे किस फैक्ट को, कि कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही, नॉट सो मेनी ईयर्स को, मतलब कुछ साल पहले ही ये उनको सैल्यूट नहीं कर रहे होते बट अरेस्ट कर रहे होते। तो आपको पता था नेल्सन मंडेला जेल में भी गए हैं एंड उनको बेसिकली जो कैंपेन कर रहे थे इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट, तो उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा था। सो फॉर एग्जाम्पल जब महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में लड़ रहे थे तो आपको पता है कि उनको भी जेल जाना पड़ा था बिकॉज वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो सेम यहाँ पे चीज थी कि नेल्सन मंडेला भी जब सारी कैंपेनिंग कर रहे थे अगेंस्ट ऑल दिस, तो ये जो जनरल्स थे जो बेसिकली उस समय व्हाइट स्किन पीपल को सर्व कर रहे थे, वो उन्हें अरेस्ट कर रहे होते ना कि सल्यूट कर रहे होते जैसे कि आज वो कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, सो शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स का मतलब हो गया जो वी शेप बनाते हुए इम्पाला जेट्स। सो इम्पाला जेट साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जेट्स है। सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरफोर्स में आपको पता है हमारे पास सुकोई है, हमारे पास तेजस है इंडिजिनियस, एंड अभी रिसेंटली हमने रफाइल जेट्स को भी इंक्लूड किया है हमारे यू नो फ्लीट में। सो इस तरह से साउथ अफ्रीकन फ्लीट में इम्पाला जेट्स हैं। एंड शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप, वी शेप में जब आप फॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाई थी। सो ये जो वी फॉर्मेशन है, सो दिस इज वॉट इट मीन्स बाय शेवरॉन। एंड ये जो जेट्स हैं वो इम्पाला जेट्स हैं। सो इम्पाला जेट्स जो हैं वो इस तरह के दिखते हैं। एंड साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो ये है। सो इसलिए बोला गया जो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट एंड गोल्ड, सो ये जो कलर से जो उनका न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना उसको डिनोट करते हुए इस तरह से वो कलर स्मोक की ट्रेल निकालते हुए इस तरह के फॉर्मेशन में जा रहे थे। सो इम्पाला जेट्स, जस्ट अगर आप क्यूरियस हैं कि क्या होता है, तो इस तरह का जेट होता है एंड यू कैन सी कि इट्स अ फाइटर जेट। सो बेसिकली इसमें वेपन्स हैं एंड इट इज यूज फॉर बेसिकली कॉम्बैट। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग दी एस स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो डे है, वो जो दिन था इनॉग्रेशन वाला, वो किस चीज़ को सिम्बुलाइज कर रहा था कि उस दिन दो नेशनल एंथम बजे। सो एक नेशनल एंथम था डी एस टेम जो कि बेसिकली वाइट्स गाते थे, एंड दूसरा नेशनल एंथम जो कि कोसी सिकेलेल ई अफ्रीका जो कि ब्लैक्स गाते थे। अब वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स गा रहे थे। सो व्हाइट्स जो है ब्लैक्स का नेशनल एंथम गा रहे थे, ब्लैक्स जो है व्हाइट्स का नेशनल एंथम गा रहे थे जो कि रिपब्लिक का, उस रिपब्लिक का बहुत पुराना एंथम है बिकॉज
बहुत टाइम से वाइट स्किन पीपल का वहां पे डोमिनेंस था। एंड इवन दो उस दिन एक दूसरे के एंथम्स के लिरिक्स वो नहीं जानते थे, एंड इनफैक्ट वो उसकी निंदा करते थे। तो डिस्पाइस का मतलब होता है निंदा करना, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना। एंड ऑब्वियसली आपको पता है जो उनकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। बट सून बहुत जल्द ही वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स की लिरिक्स बाय हार्ट कर लेंगे, सो उनको याद हो जाएगी। तो उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ से कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स फाइनली अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज फेलो साउथ अफ्रीकन। उसमें अब भेदभाव नहीं रहा कि हाँ तुम्हारा स्किन का कलर ये है, मेरा स्किन का कलर ये है, मैं तुमसे ज्यादा डोमिनेंट हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, हम सब साउथ अफ्रीकन हैं, हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब देशवासी हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. So, inauguration ke din, he was overwhelmed with the sense of history. So, ye phrase aapke पार्ट वन में स्टार्टिंग में आया था, सो यू नो व्हाट इट मीन्स। सो उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे थे हिस्ट्री की वजह से, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे पास्ट को रिमेम्बर करके। एंड वो बता रहे हैं एज ही रिमेम्बर्स कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सो 20th सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुई थी उनके जन्म से पहले, और एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में। सो ये जो वॉर है बेसिकली ये हुआ था 1899 टू 1902, सो बेसिकली एकदम स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी के एकदम बिगिनिंग में ये वॉर हुआ था। एंड दिस वॉज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड साउथ अफ्रीका। सो जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स इंडिया में भी आए थे एंड वी ऑल्सो वर फाइटिंग विद ब्रिटिश ऑलमोस्ट इसी टाइम पे 1857, आपको पता है जिसको फर्स्ट रिवोल्ट बोला जाता है, फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस। सो अराउंड दैट टाइम ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रहे थे एंड दे ऑल्सो रीच साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीकन्स के बीच में फिर उनकी लड़ाई हुई एंड दैट वॉज कॉल्ड एंग्लो बोर वॉर। एंड नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में, सो दिस हैपेंड बिफोर ही वॉज बॉर्न। सो वो बता रहे हैं कि वो समय के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी उनका जन्म नहीं हुआ था एंड एंग्लो बोर वॉर जस्ट खत्म हुआ था। सो बेसिकली 1902 और 1918 के बीच में इस वॉर के बाद क्या हुआ कि जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका में उन्होंने पैचअप कर लिया। पैचअप करना यानी सुलह कर लेना। सो अपने जो भी मन मुटाव है, जो भी डिफरेंसेस हैं ब्रिटिशर्स के साथ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वॉर भी हुआ था, उन्होंने पैचअप कर लिया। एंड उन्होंने क्या कर लिया, एक सिस्टम इस्टेब्लिश की एंड दैट सिस्टम वॉज सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। ऑब्वियसली ये टर्म भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट वन में। एंड इसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, जो भी डार्क स्किन पीपल है उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाते थे कि हम आपसे सुपीरियर हैं। एंड ये हर चीज में फिर रिफ्लेक्ट हुई थी, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एंड इनफैक्ट नॉर्मल राइट्स भी हो, तो इन सब चीजों में उनको पीछे रखा गया था कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो, आप ये जॉब नहीं ले सकते हो, आपके लिए सिर्फ ये जो लो लेवल जॉब्स है जिसमें कम पैसे मिलते हैं यही आपको मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में जो बहुत गंदा रूप लिया था, सिमिलर इन द सेम वे इस तरह से रेशियल डोमिनेशन वहां पे एस्टैब्लिश हुई, जिसको हम अपार्थीड भी बोलते हैं। सो अपने ही लोगों के अगेंस्ट उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम बना दिया। एंड जो स्ट्रक्चर बनाया, ये जो अपार्थीड का स्ट्रक्चर था इन्होंने जो बनाया, एंड नेल्सन मंडेला इसको किस तरह से बोल रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द हार्श, सबसे ज्यादा हार्श था ये, सबसे ज्यादा क्रूर था एंड बहुत ज्यादा इनह्यूमेन था, अमानवीय। इनह्यूमेन यानी अमानवीय, इसका मतलब होता है विदाउट कंपैशन। आप किसी के सफरिंग के लिए बिल्कुल भी कंपैशन या सिंपति फील नहीं करते हैं, उनको टॉर्चर करते रहते हैं, ऐसा सिस्टम उसको इनह्यूमेन कहा जाता है। एंड इस तरह की मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज जो है जो वर्ल्ड ने कभी नहीं देखी थी वैसा बना दिया था। बट इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब वो अभी की बात कर रहे, प्रेजेंट की, लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब वो इनफैक्ट 80 ईयर ओल्ड हो गए हैं, सो वो खुद 80 ईयर ओल्ड हैं, सो इस समय ये सिस्टम ओवरटर्न हो गया। इट हैज बीन ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न का मतलब रिप्लेस कर दिया गया, जो अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सो ये सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया हमेशा के लिए। एंड इसको रिप्लेस किसने किया है, ऐसे सिस्टम ने जो कि राइट्स एंड फ्रीडम्स लोगों की रिकग्नाइज करता है, रिस्पेक्ट करता है,
उनको राइट्स एंड फ्रीडम्स देता है रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन. सो इट डजंट मैटर कि आपकी कलर क्या, व्हाइट है, ब्लैक है, यू कैन बी एनीथिंग, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगी और इक्वल फ्रीडम्स मिलेंगी. सो ये इन्होंने एस्टैब्लिश, ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. नेल्सन मंडेला इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि ये जो दिन आया है ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि बहुत से हजारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस किए हैं. अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, अनइमेजिनेबल यानी अनबिलीवेबल, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बिलीव नहीं कर सकते हो, ऐसे सैक्रिफाइसेस दिए हैं पास्ट में और वो भी हजारों लोगों ने. एंड उन लोगों की जो भी सफरिंग है, जो भी दुख सहा है उन्होंने और जो उनकी बहादुरी है, जो उनका करेज है, उसको ना ही हम काउंट कर सकते हैं ना ही उनको हम रीपे कर सकते हैं. सो हम हमेशा के लिए उनके कृतज्ञ रहेंगे एंड उनके जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो अनइमेजिनेबल है एंड इसकी वजह से ही ये जो आज दिन पॉसिबल हुआ है जिसमें अपार्थीट को ख़त्म किया गया, ये पॉसिबल उनकी वजह से ही हुआ है. एंड उस दिन इनॉग्रेशन वाले दिन उनको ऐसा फील हो रहा था एंड ये उनको बहुत से ऐसे दूसरे दिन भी फील हुआ है कि ये खुद नेल्सन मंडेला खुद इन लोगों से मिलके बने हैं. सो वॉट ही मीन्स बाय सेइंग दैट ही इज सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. इसका मतलब ये है कि आज नेल्सन मंडेला जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो अफ्रीकन देशभक्त हैं वो उनसे पहले आए हैं, वो उनसे मिलके बने, मतलब वो उनसे इंस्पायर हुए हैं. दैट मीन्स ही इज इंस्पायर्ड बाय देम एंड हिज लाइफ इज पॉसिबल और अफेक्टेड बाय देम. जिसे आप फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आज हमें ये आज़ादी नहीं मिलती अगर भगत सिंह, महात्मा गांधी, यू नो, ऐसे ये जितने भी लोग थे जो लड़े हैं बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो नहीं होते तो आज ये पॉसिबल नहीं होता. हम उनसे मिलके ही बने हैं. सो ये मतलब वो ऐसे कहने का कि ये जो आज लड़े हैं नेल्सन मंडेला भी इस सिस्टम के खिलाफ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो इन सब लोगों से इंस्पायर्ड थे. इनको लगता है कि ये इन सब लोगों से मिलके ही बने हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. सो वो जो लॉन्ग, बहुत ही लंबी, और बिकॉज बहुत लंबा लड़े हैं वो, 100 साल तक लड़े हैं. सो वो जो एक लंबी और नोबल लाइन है, नोबल यानी जो ऑनेस्ट और हाई मॉरल प्रिंसिपल्स रखते हैं, ऐसे लोगों को आप नोबल बोलते हैं. सो वो लाइन ख़त्म हुई और मेरे साथ अब वापस शुरू हो रही है. सो बेसिकली जो काम उन्होंने ख़त्म किया मैंने वो वापस स्टार्ट किया है. सो बेसिकली मैं उनसे ही बिलोंग करता हूँ एंड उन्हीं की लाइन, उनकी हेरिटेज से बिलोंग करता हूँ और जैसे वो ख़त्म हुए एंड मैं फिर पैदा हुआ एंड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उनकी जो लेगेसी है बेसिकली. एंड उनको ये दुख हो रहा था कि आज इस दिन जब वो फाइनली विक्टोरियस हो गए इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, 100 साल के स्ट्रगल के बाद, उनको ये दुख हो रहा है कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे हैं, कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज क्या अचीव हुआ है उन्हें. सो उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से व्हाट दे हैड रॉट, रॉट का मतलब होता है अचीव्ड. बहुत ही ओल्ड इंग्लिश यूसेज है ये, आज यू वॉन्ट यूज दिस वर्ड रॉट, का मतलब होता है अचीव्ड. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Great Lutulus, the Chief Lutulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. जो अपार्थीट की पॉलिसी है, जो ये सिस्टम था अपार्थीट का, उसने बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा रहने वाला, स्थाई रहने वाला घाव हमारे कंट्री को दिया है. सो लास्टिंग यानी स्थाई हो गया है यहाँ पे, मतलब हमारे देश को और हमारे लोगों को दे गया है, ऐसा ऐसा चोट दे गया है. एंड हम लोग पीढ़ियाँ नहीं तो एटलीस्ट काफ़ी साल इस घाव से उभरने में लगा देंगे. तो हमें इस घाव से उभरने में पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत साल तो ज़रूर लगेंगे. एंड इस घाव को वो क्या बोल रहे हैं, प्रोफाउंड हर्ट. ही इज डिस्क्राइबिंग इट एज अ प्रोफाउंड हर्ट. सो प्रोफाउंड हर्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोफाउंड मतलब होता है ग्रेट और डीप. सो गहरा, ग्रेट या इंटेंस या डीप,
को आप प्रोफाउंड बोलते हो। सो आप इमोशंस के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोफाउंड। सो इसका अल्टीमेटली मतलब हो गया बहुत गहरा, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला। सो एक ऐसा चोट है ये जो कि बहुत ज्यादा गहरा है। बट ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग क्रूअल ट्रीटमेंट। सो बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट करते हैं, किसी का उत्पीड़न करते हैं, उसको आप ऑपरेशन बोलते हैं। सो ये लंबे समय तक, जो डेकेड्स बेसिकली दशकों तक जो ये ऑपरेशन चला, ये जो ब्रुटैलिटी चली, इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड, सो अनइंटेंशनल मतलब जैसा सोचा नहीं गया था ऐसा इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया कि इसने ऐसे लीडर्स जो हैं, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स और इंसान जो हैं पैदा कर दिए। सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आते तो आज हम भगत सिंह को नहीं जानते, आज हम महात्मा गांधी को नहीं जानते, आज हम लाला लाजपत राय को नहीं जानते, आज हम फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते। इट्स बिकॉज कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये हमारे साथ ऐसा ऑपरेशन किया, एंड देन ऐसे लोग उभर के आए फिर जिन्होंने जो लड़े हैं उस सिस्टम के खिलाफ एंड हमारे देश को आज़ाद किया। एंड सेम वो साउथ अफ्रीका के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इतना ऑपरेशन हुआ, इसे लड़ने के लिए भी लोग उभरे साउथ अफ्रीका में से, एंड उनके नाम वो बता रहे हैं, एंड ये जो है ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे प्रोड्यूस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। एंड उनके बारे में बोल रहे हैं कि दे आर मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक्स मे नेवर बी नोन अगेन। कि उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल बहादुरी थी, साहस था, समझदारी थी और जेनरोसिटी मतलब उदारता थी, काइंडनेस थी, जो कि अब कभी भी नहीं मिल सकती। सो दैट देयर लाइक, दैट देयर लाइक यानी देयर काइंड मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लोग जो है हमें कभी नहीं मिलेंगे वापस। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. बहुत ही beautiful line है। तो बोल रहे शायद इतने गहरे उत्पीड़न, इतने गहरे operation की जरूरत पड़ती है ताकि ऐसे ऊंचे character का निर्माण हो सके। So ऐसे ऊंचे लोग, ऐसे high character के लोग जो अपने आप को sacrifice कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए, ये तभी produce होते हैं जब इतना गहरा operation किया जाता है। तो इनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, in short की जब अंधकार होती है तभी प्रकाश का विस्तार होता है। तो जब अंधेरा होता है तभी आपको वो उजाला, वो रोशनी दिखती है। जब उजाला रहेगा तो आपको उजाला नहीं दिखेगा। सो ऐसे अंधकार के समय में ही आपको ये प्रकाश दिखता है। सो ही दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इन दीज लाइंस। माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। इनफैक्ट अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, तो इनफैक्ट आज बिजनेसेस में भी, कंपनीज में भी लोग उनको स्टडी करते हैं कि उनकी लीडरशिप स्किल इतनी ज़बरदस्त थी कि वो कैसे लोगों को फॉलो करवा सकते थे। सो फॉर एग्जांपल लोग आज हम अगर इंडिया का एग्जांपल लें, सो आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको लोग तुरंत फॉलो करने लगते हैं, यू नो पीपल्स पर्सन इनको बोला जाता है। सो इस तरह से नेल्सन मंडेला एक्सेप्शनली पीपल्स पर्सन थे, उनके अंदर वो ऐसी क्वालिटी थी लीड करने की कि वो लोगों को साथ में रखते थे। एंड इस लास्ट लाइन से एकदम क्लियर होता है कि उनकी आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा पीपल माइंडेड है कि वो हमेशा लोगों को ऊपर रखते हैं। सो क्या बोल रहे हैं कि हमारी धरती में, हमारी सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं। सो हमारी सॉइल रिच इन मिनरल्स हैं, बहुत सारे कीमती पत्थर हैं, जेम्स हैं, ज्वारात हैं, लेकिन मुझे हमेशा क्या लगता है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है क्या है, वो इसके लोग हैं। सो वो हमेशा लोग को पैसों से और रिसोर्सेज से ऊपर रखते हैं। सो वो बोल रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे लोग हैं, जो कि सबसे खरे हीरे से भी फाइन है और सच्चे हैं। सो जो सबसे प्योर डायमंड है उससे भी ज़्यादा खरे लोग हैं, उससे भी ज़्यादा कीमती लोग हैं हमारे पास। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.
बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। एंड इनफैक्ट जब भी आप यू नो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज की, जो कि यूनिवर्सली जिनको बोला जाता है कि हाँ सब लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये महान लोग हैं, इनकी बुक्स पढ़ेंगे या इनके बारे में लिखी हुई बुक्स पढ़ेंगे, स्पेशली जो वो खुद बोले उनकी स्पीचेस पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल सी चीजें मिल जाएंगी। जिस तरह से इस पैराग्राफ में है कि वो कुछ ऐसा कह जाते हैं यू नो कि जो एक कोट बन जाता है ना, जो आप एकदम अपने वॉलपेपर में चिपका सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट आपके इस पैराग्राफ में आ रहा है। सो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉमरेड्स है जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, सो इनको ये कॉमरेड्स बुला रहे हैं। सो कॉमरेड्स आप किन के लिए यूज करते हैं? सो जब भी आप जंग लड़ते हैं तो आपके साथ जो फेलो सोल्जर्स होते हैं उनको आप कॉमरेड्स बोलते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बट आप इस वर्ड को आपके कलीग्स के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ जो आपके साथी लोग हैं, यू नो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप कॉमरेड्स यूज कर सकते हैं, बट एक मिलिट्री वर्ड है। सो ये जो हम इस स्ट्रगल में जो मेरे कॉमरेड हैं, इनसे मैंने करेज का मीनिंग सीखा। सो कितने हम्बल है, बोल रहे हैं कि मैं बहादुर नहीं था बट मैंने बहादुरी की जो मीनिंग है इन लोगों से सीखी। टाइम एंड अगेन हर बार ये जो लोग थे, ये जो आदमी थे, ये जो औरतें थी, इन्होंने रिस्क लिया, अपने जान दी इस आइडिया के लिए। किस आइडिया के लिए? कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि अपार्थीट खत्म होना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है टू स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी स्टैंड अप टू समथिंग का मतलब हो गया कि आप किसी के अगेंस्ट यू नो वॉइस आउट करते हैं। सो वॉइस आउट अगेंस्ट, तो आप बोल रहे कि नहीं ये सही नहीं, अपनी आवाज उठाना जिसको बोलते हैं ना, किसी के खिलाफ खड़े होना, तो दैट इज लाइक स्टैंड अप टू। सो वो अटैक्स और टॉर्चर के अगेंस्ट खड़े हुए विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति दिखाते हुए और ऐसी रेजिलियंस दिखाते हुए जो कि इमेजिनेशन को डिफाई करती है। डिफाई यानी डिनाई, मतलब हमारे इमेजिनेशन के खिलाफ जो जाती है, ऐसी स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो और ऐसी रेजिलियंस दिखाते हैं। तो रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? रेजिलियंस ऐसी क्वालिटी होती है दैट इज दी एबिलिटी टू फेस हार्डशिप। तो आप कोई भी हार्डशिप है, कोई भी कठिनाइयाँ हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं एंड उससे जो भी चोटें आई हैं आपको, उसे आप रिकवर भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटी को आप रेजिलियंस बोलते हैं। सो आप ताकतवर हैं तो आप झेल लेते हैं, जो भी हार्डशिप है आप उसको झेल लेते हैं, सो देन यू आर स्ट्रांग। बट यू आर रेजिलियंट, अगर आप बोल रहे हैं कि कोई किसी को रेजिलियंट है, कि उसमें रेजिलियंस है, या दैट पर्सन इज रेजिलियंट, दैट इज द एडजेक्टिव। सो अगर कोई रेजिलियंट है, इसका मतलब वो ना ही सिर्फ झेल सकते हैं बट उसके इफेक्ट से रिकवर भी कर सकते हैं। सो अगर आपको चोट लगी, आप उस चोट से रिकवर भी कर गए, दैट इज रेजिलियंस। सो ऐसी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाए थे वो कि इमेजिनेशन को डिफाई कर देता है। एंड उनसे मैंने क्या सीखा, एंड दिस इज द पार्ट जो कि एकदम प्रोफाउंड लगता है, कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। सो मैंने क्या सीखा कि जो करेज है, जो बहादुरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है। सो डर का ना होना बहादुरी नहीं है, बट डर पे जीतना, डर पे जीत पा लेना, उसको बहादुरी कहते हैं। सो डर सब लगता है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि डर सबको लगता है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, एंड डर का ना होना ये बहादुरी नहीं होती है, बट डर का होना पर डर पे काबू कर लेना, इसको बहादुरी कहते हैं। सो ब्रेव मैन, सो जो बहादुर आदमी है वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट वो है जो उस डर पे काबू कर लेता, हु कॉन्कर्स दैट फियर, जिसको हम फॉर एग्जांपल पॉपुलरली नहीं बोलते, डर के आगे जीत है। सो डर को जो ओवरकम करके जो जीत लेता है, जीत पा लेता है, उनको हम ब्रेव बोलते हैं, उनको हम करेजियस बोलते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। बहुत ही प्यारी लाइन कही है नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने बोला है कि कोई भी जब जन्मता है वो किसी से हेट करना नहीं जानता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्किन, बिकॉज ऑफ इट्स बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो जब भी कोई पैदा होता है वो ये सीख के नहीं आता कि किसी को हेट करना है बिकॉज उसकी स्किन का कलर डिफरेंट है, या उसका बैकग्राउंड कुछ और है, वो किसी और देश से, किसी और जाति से है, या उसका धर्म कोई और है कि ये कुछ धर्म से बिलोंग करता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम है। सो कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता इस हेट के साथ। पीपल हैव टू लर्न टू हेट, पीपल लोगों को सीखना होता है एक दूसरे से हेट करना, एंड अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली। सो प्यार करना हमारे लिए ज़्यादा नेचुरल आता है ह्यूमन हार्ट के लिए कंपेयर टू हेट। सो नेल्सन मंडेला इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो हमारा दिल है, जो हम इंसान हैं, हम लव ज़्यादा नेचुरली करते हैं कंपेयर टू हेट। सो हमारे अंदर ऐसी भावना है, जब भी आप किसी को पीड़ा में देखते हैं तो आप इमीडिएटली आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि काश मैं मदद कर सकूं,
अगर आप बाहर जाते हैं ना, आप देखते हैं फॉर एग्जांपल किसी गरीब को भीख मांगते हुए या ठंड में ठिठुरते हुए, तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि काश मैं मदद कर सकूं, तो आप कुछ पैसे जाके दे देते हो, कुछ लोग कंबल जाके दे देते हैं, कुछ लोग गरम गरम खाना देते हैं। तो ये क्यों है? बिकॉज हमारे अंदर, हम जो इंसान है, हमारे अंदर लव करना बहुत नेचुरली आता है, बट हम हेट करना सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है, मतलब हमें, हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो वो ये है, उससे नफरत करो क्योंकि वो इस धर्म से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि वो इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि ये तुम्हारी बात नहीं सुनता है। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं, हमें सिखाई जाती है, या तो हम गलत जगहों से सीखते हैं, बट वो पॉजिटिव है कि अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो हम उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तो ही सेइंग दैट इवन दो लोग हेट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी पावर है कि हम उनको वापस प्यार करना सिखा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हुआ, जहाँ पार्थी का कल्चर था जिसमें वाइट जो है ब्लैक से हेट करते थे, एंड ऑब्वियसली इन रिटर्न ब्लैक्स उनसे हेट करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनके साथ ऑपरेशन हो रहा था। सो फाइनली जब ये सिस्टम आया, तब तो उनको पता है कि अब जो है इनमें भाईचारा आएगा, अब ये एक दूसरे से प्यार करेंगे। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So वो एक example दे रहे हैं जब वो जेल में थे उस time का, कि even the grimmest times, so सबसे ज़्यादा दुखद भरा समय, बहुत ही harshest, तो सबसे ज्यादा कठिन समय भी जब उनका प्रिजन में था, जब उनके कॉमरेड्स, उनके साथी और वो उनको पुश किया जा रहा था लिमिट्स तक, मतलब पूरी हद तक उनपे अत्याचार किया जा रहा था, तब भी उनको एक ग्लिमर दिखती थी, एक सॉफ्ट सी शाइन, एक फेंट शाइन जिसको बोलते हैं, एक ऐसा हिंट दिखता था ह्यूमैनिटी का, इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखती थी, हल्की सी एक झलक दिखती थी उन गार्ड्स में भी जो उनपे इन पीड़ा दे रहे हैं, इवन दो फॉर अ सेकेंड। सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि जो गार्ड हैं, जो कि वाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हाँ इन लोगों को मारो जो कि जेल में है, खूब खूब पीटो उनको, बट वो भी इंसान है, तो उन्होंने कभी कभी ऐसा नोटिस किया कि ये गार्ड भी उनको इतनी तेजी से नहीं मार रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इंसानियत है कि मैं क्यों मार रहा हूँ इसको, इवन तो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले, मैं क्यों मार रहा हूँ, ये भी तो एक इंसान है। तो उनको ये झलक दिखती है उनके अंदर, एंड जब वो उनको झलक दिखी तो ये उनके लिए एक रीअश्योरेंस था कि उनका ये जो डाउट है वो चला गया, कि हाँ लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं होती, उनका जो ये उनको रीअश्योर हो गया कि हाँ सब लोग प्यार करना चाहते हैं, सब लोगों में ह्यूमैनिटी है। एंड ही केप्ट गोइंग, इट केप्ट हिम गोइंग, सो ही वॉज एबल टू कंटिन्यू। सो कीप मी गोइंग का मतलब टू बी एबल टू कंटिन्यू इन डिफिकल्ट टाइम। सो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जब आप बहुत कठिनाइयों के साथ किसी समय में गुजर रहे हैं, एंड यू से दिस केप्ट मी गोइंग, दिस विल कीप यू गोइंग। सो ये जो झलक उनको दिखी थी इंसानियत की, ये उनके लिए काफ़ी था रीअश्योर करने के लिए कि हाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है चेंज लाने की, एंड ही वॉज एबल टू कंटिन्यू, एंड वो उस डिफिकल्ट समय को झेल पा रहे थे इस उम्मीद में कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस सिस्टम को हटा देंगे। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। सो इट्स लाइक कोट ऑफ द डे हो गया कि जो इंसान की अच्छाई है वो एक ऐसी लौ है, ऐसी ज्वाला है जिसको आप छिपा सकते हो बट कभी भी बुझा नहीं सकते। सो एक्सटिंग्विश्ड का मतलब बुझा देना। सो हमारे अंदर जो अच्छाई है, जो इंसानों के अंदर जो अच्छाई होती है, वो इस उस ज्वाला की तरह है जिसको आप छुपा सकते हो लेकिन कभी भी बुझा नहीं सकते। चाहे हम कितना भी हेट करें, चाहे हम कितना भी एक दूसरे के खिलाफ खराब बोलें, फाइनली हमारे अंदर जो अच्छाई है वो उभर के कभी ना कभी सामने ज़रूर आएगी। सो इस नोट पे हम पार्ट टू को ख़त्म करते हैं। चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वॉट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू हिम। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड कम्प्लीटली बिकॉज अर्लियर दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। सो मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ? सो मिलिट्री जनरल्स जो थे उन्होंने सैल्यूट किया नेल्सन मंडेला को और प्लेज किया लॉयल्टी उनके उनकी तरफ, एंड उनका एटीट्यूड इसलिए चेंज हुआ कि कुछ साल पहले तक ही वो उनको सैल्यूट नहीं करते, उनको वो अरेस्ट कर लेते हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग्स, दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे? सो साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर डेमोग्राफिक्स। सो डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जब आप क्लासीफाई करते हो ना कि यहाँ पे ऐसे 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 लोग होते हैं, तो उसको डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। सो साउथ अफ्रीका में दो मेजर डेमोग्राफिक्स थी, क्या थे? ब्लैक्स एंड वाइट्स। सो ब्लैक्स डार्क स्किन पीपल को बोलते हैं,
एंड वाइट्स वाइट स्किन पीपल को. इनफैक्ट आप केयरफुल रहना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सम पीपल विल नॉट लाइक इट. सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी डार्क स्किन पीपल को ब्लैक बोलेंगे तो शायद वो ऑफेंड हो जाए. सो इवन दो नेल्सन मंडेला ने खुद ब्लैक वर्ड का इस्तेमाल किया है, बट इट इज पॉसिबल दैट इन सम कंट्रीज अगर आप किसी डार्क स्किन पीपल को देखोगे या उनको बोलेंगे यू आर ब्लैक, सो दे वोंट लाइक इट. सो दैट्स वाई एक टर्म यूज किया जाता है जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल, कि आप रिस्पेक्ट करें उन लोगों की, उनकी फीलिंग्स की, आप उनको डार्क स्किन बोलते हो. सो यू हैव टू बी केयरफुल. फॉर एग्जाम्पल इट्स फाइन अगर आपके इंटेंशंस खराब नहीं है, सो इट्स फाइन टू से ब्लैक एंड व्हाइट, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर जब आप किसी को एड्रेस करें, स्पेशली इन फॉर्मल गैदरिंग्स. सो एनी वे, सिंस इस चैप्टर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, सो आई एम स्टिल यूजिंग इसके आंसर्स में. सो दो मेजर डेमोग्राफिक्स थे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, एंड इनके अपने अपने नेशनल एंथम थे, तो वो गाए गए थे इस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कि यहाँ पे इक्वालिटी आ गई है. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. सो नेल्सन मंडेला ने कॉन्ट्रास्ट दिया था कि कैसे बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी और लास्ट एंड एंड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या डिफरेंस आया. सो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी मंडेला डिस्क्राइब्स that the white skin people established a system of racial discrimination या racial domination आप बोल सकते हैं, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है. सो एक सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने इस्टेब्लिश किया अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज इन द होल वर्ल्ड. सो एक मोस्ट इनह्यूमेन अमानवीय सोसाइटी का उन्होंने निर्माण कर दिया. लास्ट डिकेड में क्या हुआ, द सिस्टम वॉज ओवरटर्न एंड मेड वे फॉर इक्वालिटी. सो मेड वे, जब आप वर्ड इस फ्रेज का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है रिप्लेस्ड विथ. सो मेड वे फॉर का दूसरा टर्म हो जाएगा रिप्लेस विथ. सो लास्ट डिकेड में क्या किया, इस सिस्टम को ओवरटर्न किया गया, अबॉलिश किया गया एंड इक्वालिटी फ्रीडम को इस्टेब्लिश किया गया इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी स्किन का कलर क्या है. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. सो मंडेला के लिए करेज का डेफिनेशन क्या था, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था बहुत ही अच्छे शब्दों में. द सेम थिंग आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट. विक्ट्री या ट्रायम्फ जैसे वर्ड यूज किया गया था आपके बुक में, यू कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू हिम इन हिज वर्ड्स यू कैन से करेज डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट. विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट. सो उनके अकॉर्डिंग क्या नेचुरल है, प्यार करना या हेट करना, नफरत करना. सो फॉर मंडेला लव इज अ मोर नेचुरल थिंग टू डू देन हेट. सो उनके लिए ऑब्वियसली हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि लव ज्यादा नेचुरल है नफरत करने से. सो पीपल हैव टू लर्न टू हेट वाइल लव कम्स टू देम नेचुरली. सो लोगों को हेट करना सीखना पड़ता है बट लव उनको नेचुरली करना आता है. सो इनफैक्ट अगर आप एक छोटे बच्चे को भी देखोगे, अगर आपने छोटे बच्चों को खिलाया आपके घर में या पड़ोस में भी whatever, तो आपने देखा होगा कि बच्चे हमेशा प्यार ही करते हैं. जब भी आप भी जाओगे ऑब्वियसली उनको दुख होगा तो वो रो देंगे, सो दैट इज वन थिंग, लेकिन वो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है. बट अगर वो रो नहीं रहे होते तो वो आपसे हमेशा खेलेंगे. ऐसा नहीं है कि वो आपसे मुंह बना के बैठ जाएंगे, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्योंकि तुम्हारा जो है ना स्किन का कलर बहुत ज्यादा वाइट है, नहीं मैं तुमसे नहीं बात करूंगा क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं. उनके अंदर यह ही नहीं, ये सीख के आते ही नहीं है. सो बेसिकली हम जब पैदा होते हैं हमसे प्यार करना जानते हैं, वो आपके साथ खेलेंगे, मुस्कुराएंगे, आपके हाथ पकड़ेंगे, सो इस चीज़ को मंडेला ने बोला है कि आप देखो नोटिस करो कि लोग जो है नफरत करना सीखते हैं जबकि प्यार वो नेचुरली उनको आता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है. इस चैप्टर के पार्ट 3 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.